मैं एक बार आ रहा था देहरादून से हरिद्वार के लिए, आपको पता है मेरे पास साइकिल भी नहीं, चाहिए भी नहीं, भगत तो हैं, भगत तो बहुत हैं, लेकिन नहीं नहीं अपने सुख के लिए साधु नहीं जीता। हम अपनी गाड़ी में बैठे खूब आराम से घूमें, अपने सुख के लिए साधु नहीं जीता। साधु की देह में जब तक सांस चलती है तब तक वह संसार के लिए जीता है। साधु यदि अपने सुख के लिए जीने लग जाए तो संसार नष्ट हो जाएगा। साधु का जीवन विश्व उपकार हित व्यग्रचित सर्वदा, विश्व के सुख के लिए सदैव व्यग्र रहते हैं। तो मैं बस से आ रहा था, रास्ते में बड़ा भारी जंगल पड़ता है, संयोग ऐसा कि बस में जगह नहीं थी बैठने की। आदमी भी आजकल के ऐसे है जो साधु का सम्मान करने के लिए तैयार नहीं, एक ने भी हमको बैठने के लिए नहीं कहा। दोनों तरफ सीट के बीच में कंट्रेक्टर को आने जाने के लिए जो जगह होती है, मैं बस की कड़ी पकड़ कर खड़ा था। घनघोर जंगल के बीच में जब बस आई तो एक 22-24 साल का लड़का सड़क के किनारे माथे पर बोरी लेकर के खड़ा था। कंट्रेक्टर को इशारा किया तो ड्राइवर ने गाड़ी खड़ी कर दी, वह अंदर आ गया, मेरे पैर पर ला कर के बोरी रख दिया। उनको भी शर्म नहीं आई, रख दिया। बस चली, पैर को जैसे तैसे मैं खींचा, लेकिन जब बोरी को रखा था तो मुझे लग रहा था इस बोरी में कुछ चल फिर रहा है। सगबग 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 करे लगा कि कुछ चल फिर रहा है। मैंने उस लड़के से कहा, अरे क्या है बॉडी में? सामान है बाबा। क्या सामान है? अब बताए नहीं, सामान है बाबा। तब मैंने कंट्रेक्टर से कहा कि इनसे पूछो क्या है इस बॉडी में। उन्होंने पूछा तो उनको भी कहा सामान है बाबू। कौन सा सामान है? बताए नहीं। तब एक थप्पड़ कान में दिया, बोलता क्यों नहीं, क्या है इसके अंदर? तब कहता है इसमें सांप है बाबू, एक बोरी सांप लेकर के 24 साल का लड़का चल रहा था। क्या करेगा इतना सांप? जो सीधा सीधा होगा उसको तो आज ही खा जाऊंगा, और जो खूब कूदने वाला नाचने वाला होगा उसे खेल दिखलाऊंगा, क्योंकि सीधा ढोड़िया सबको दिखाने से थोड़े कोई पैसा देगा। गोमन को नचाया जाता है तब पैसा पड़ता है। जो खूब नाचने कूदने वाला होगा उसे खेल दिखाऊंगा। मैंने कहा जब तू घर जाएगा तब खाएगा, खेल दिखाएगा। यदि बस में बोरी खुल गई तब क्या होगा? तब कहता है एक तो बोरी खुलेगी नहीं, कस करके बांधा हूँ, और यदि खुल गई तो भी कोई डर नहीं है। मैंने कहा डर नहीं, किसी के कंधे पर सांप चढ़ेगा, किसी के छाती पर चढ़ेगा? कहता है कोई डर नहीं। का कोई डर नहीं बाबा, हमारे पास वह जड़ी है कि फटाफट सारे सांप को सूंघा सूंघा करके फिर से पकड़ कर बॉडी में भर दूंगा। एक 22-24 साल का सफेड़ा इतना दम रखता है कि बॉडी भर सांप के द्वारा कोई खतरा नहीं होने दूंगा, सबको बॉडी में भर दूंगा, क्योंकि सपेरे के पास वह कला होती है, वह जड़ी होती है। हमारे गुरुदेव भी कम सपेरे थोड़े हैं। पदावली में लिखा हुआ है जो दुष्टेन्द्रियण नाग गण विष अपारी है, सदगुरु सुगारुड़ी सकल विष संघारी। हमारे गुरुदेव संत सदगुरु दुनिया के सबसे बड़े सपेरे हैं। जब साधारण सपेरा बोड़ी भर सांप को पकड़ने का दम रखता है, हमारे सदगुरु तो दुनिया का सबसे बड़ा सपेरा। और ये सपेरे यदि संसार के सारे भक्तों के मनरूपी नाग को स्थिर कर दे, यह कौन बड़ी बात है।
इन्हीं का करामात है। इस पेरे के सामने जो अभी आप लोग बैठे हुए हैं, इसी का करामात है कि आप लोगों का मन अभी शांत है, शीतल है, ठंडा है। यदि मेरी बात पर विश्वास नहीं तो आप लोग निकलना शुरू करें, पंडाल से निकलना शुरू करें। माताएं तो कहें चल ना दे मेरी बात सुन करके, पंडाल से निकलना शुरू करें तब पता चलेगा। सड़क पर पहुंचते पहुंचते पता चल जाएगा, जैसे सपेरे की दृष्टि से ओझल हुए कि मन रूपी नाग दौड़ना शुरू कर देगा। सतगुरु सन्मुख बैठ के मंगल गाइए, कीजे दंडवत प्रणाम परम पद पाइए। इस सपेरे को छोड़ना नहीं है, इस सपेरे को छोड़ना नहीं है। हम तो दिन रात बड़ी खुशी में रहते हैं, मस्ती में रहते हैं, सपेरे के बगल में डमरू बजा रहे हैं। सपेरे के बगल में जो डमरू बजा रहे हैं इसीलिए मस्त हैं। यदि जिस दिन जिस क्षण इस सपेरे के बगल से हटकर संसारियों के बीच में चले जाएंगे, फिर देखें सारा आनंद धूल में मिल जाएगा। इन्हीं की शरण में बैठने का, इसी के अगल बगल बैठने का, इसी के सामने बैठने का, या तो सपेरे का दिया हुआ जो मंत्र है, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते उस मंत्र को दोहराते रहें। गुरुदेव के बताए हुए मंत्र में ऐसी ताकत है, संत तुलसी साहब लिखते हैं, गुरु गैल मेल मिलाप तुलसी मंत्र विषधर बस करे। गुरु का दिया हुआ जो मंत्र है मन रूपी विषधर नाक को बस में कर लेने वाला है। इसको आप जपते रहें, विषधर मन को बस में करने वाला यह मंत्र गुरु ने मोहे दिन ही आज अब जड़ी। मेरा प्रवचन हो रहा था हैदराबाद में, इसी विषय पर मैं बोल रहा था, गुरु ने मोहे दिन ही आज अब जड़ी। 8-10 माइयाँ आ गईं प्रवचन के बाद मेरे डेरे पर, कहने लगे हमको तो गुरु जी जड़ी दिए ही नहीं, हमको तो गुरु जी जड़ी दिए ही नहीं, आप जड़ी देते हैं, आप जड़ी देते। उस माई के मन में हुआ कि शायद कोई ताबीज वगैरह बांटते होंगे, गुरु जी तो जड़ी हमको दिए नहीं। मैंने कहा तुम्हारे गुरु जी के पास जड़ी होगी नहीं, हमारे गुरु जी तो जड़ी देते हैं, तो चलो आप ही दीक्षा दे दो। उनके मन में हुआ कि ये कुछ जड़ी देंगे, जड़ी बूटी देंगे गले में बांधने के लिए चाहे बाजू में बांधने के लिए। मैंने कहा मैया जड़ी का मतलब यह नहीं होता है कि ताबीज जंतर में भर करके बाह में बांध लो, जड़ी का मतलब दीक्षा के समय में सदगुरु जो सदयुक्ति बताते हैं मन को एकाग्र करने की, वही है जड़ी। आज भी बहुतों को जड़ी देंगे, दीक्षा के समय में सदयुक्ति जो सदगुरु बतलाते हैं वह सदयुक्ति ही गुरु की दी हुई जड़ी है, और उस जड़ी का करामात मंत्र जप से शुरू होता है। मंत्र जाप दिन रात करते रहे, उसके बाद गुरु महाराज के रूप का चलते फिरते उठते बैठते चिंतन करते रहे, उसके बाद गुरु के ज्योतिर्मय रूप का यदि योग्यता बढ़ जाए तो चिंतन करें, उसके बाद गुरु के नादमय स्वरूप का चिंतन करें। किसी भी तरह से सदगुरु रूपी सपेरे से अपने को जोर करके रखेंगे तो मन रूपी नाग आपको परेशान नहीं करेगा, नहीं तो बाबा मन नहीं स्थिर होता है। मन क्यों नहीं स्थिर होता है?
कारण क्या है? मैंने आपको सुनाया था पाप के चार रूप होते हैं। पहला रूप अंदर का अंधकार, पाप का दूसरा रूप मन की चंचलता। जितना आप पाप करेंगे उतना ही आपका मन विषयी होगा, उतना ही आपका मन चंचल होगा। जो निज घटरस चाहो तो अपने को पांच पाप से हरदम खूब बचाओ। है एक झूठ नशा है दूसरा तीसर नारी पड़के हो, चौथी चोरी पंचम हिंसा दिल से इन्हें अलगाओ। उखाड़ करके फेंको इन पापों को, फिर करामात देखो ध्यान का। यह मन जो जहरीला हो रहा है, यह मन जो चंचल होता जा रहा है हमारे किए हुए पाप के कारण, पिछला तो खत्म नहीं हुआ और वर्तमान जीवन भी पाप में ही लिप्त रहता है, कैसे यह मन निग्रहित होगा, शांत होगा? पाप का दूसरा रूप मन की चंचलता। अब पाप का तीसरा रूप जीवन में आने वाले अनेकों विघ्न। आप लोग सत्संग में कैसे आ गए, हमें तो बड़ा ताज्जुब है, कैसे आ गए आप लोग यहाँ? बहुत लोगों का फोन मेरे पास आता है, बाबा हम आने वाले थे लेकिन मेहमान आ गया, जमाई आ गए, बेटी आ गई, ये आ गए, वो आ गए, ये काम पड़ गया, वो काम पड़ गया। सिनेमा देखने के लिए जाएंगे तो कोई विघ्न नहीं आएगा, सर्कस देखने के लिए जाएं कोई विघ्न नहीं, हॉस्पिटल जाएं कोई विघ्न नहीं, होटल जाएं कोई विघ्न नहीं। सत्संग के लिए चलें तब देखिएगा, ध्यान करने के लिए बैठ जाएं फिर क्या कहना। चार बार भोजन भजन एक बार है, उसमें भी आती है आफत हजार है, देखिए कितना विघ्न आता है। सत्संग में आने में कितना विघ्न आता है, आप लोगों का अहो भाग्य है इन सारे विघ्नों को जीत करके सत्संग में बैठे हुए हैं। और इससे भी ज़्यादा विघ्न आता है ध्यान करने में। ध्यान के समय के विघ्न का कौन वर्णन कर सकता है? स्थूल विघ्न, सूक्ष्म विघ्न, कारण विघ्न, इतने विघ्न आते हैं। कारण विघ्न क्या है? अनादिकाल से अनेकों प्रकार के जो शुभाशुभ कर्म हुए हैं वही विघ्न बनकर सामने आते हैं। सूक्ष्म विघ्न